नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल वन डे एंड अदर एग्जाम चैनल पे। तो इस चैनल पे हम आज आपको काफ़ी अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं, जो अब तक की बिग न्यूज़ है, क्योंकि अभी आरआरबी ने एक डेट जारी किया है जिसमें ग्रुप सी और डी का जो 90,000 वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें जो सी का था, ठीक है, उसके लिए इन्होंने सीबीटी टेस्ट का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कब से है और इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इस वीडियो में हम सब आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीबीटी का जो एडमिट कार्ड है कब आपको मिलेगा और कब सब डाउनलोड करेंगे, सब हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हमारे इस YouTube चैनल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ये आरआरबी का इंटरफेस खुला हुआ है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो दिया गया है ये विज्ञापन संख्या निकाला गया है। ठीक है, ये टेक्नीशियन का है जो पोस्ट है उसके लिए, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, सीबीटी, उसके लिए इन्होंने बताया है। अब हम आपको दिखाते हैं कब से कब तक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम कराया जाना है, ये आपका 9 तारीख 8वां महीना 2018, यानी कि 9 अगस्त 2018 को आपका सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, ग्रुप सी का टेक्नीशियन का है ये। अब आपको देख सकते हैं इसकी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक होगी, ठीक है, इसकी जो लिंक है मॉक टेस्ट इसका, ये आपको 26 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा ये लिंक। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगी 26 जुलाई को। आप देख सकते हैं 26 जुलाई को, ये आपकी 26/7 ये लिखा हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द मूक लिंक फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज सीबीटी जो इसका जो आपको कराया जाना है, ये आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ये, और आपका एग्ज़ाम डेट हो गया 9 तारीख अगस्त को। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, नहीं तो हमें कमेंट द्वारा आप पूछ सकते हैं।